मुझे हर रोज पहली खुशी तब होती है जब तू मुझे सलाम करता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आखिरी खुशी भी मैं ही दूं। खुशी और तू? अरे जो खुद खुशी के मामले में कंगाल हो वो दूसरों को क्या खुशी देगा? हाँ, रात के अंधेरे में डूबा हुआ चांद रोशनी की भीख ज्यादा बांटता है। अरे उदासी में तो तू फिलोसोफर की तरह बातें कर रहा है। मैं उदास नहीं, परेशान हूं। मेरी बीवी की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, मेरा उसके पास रहना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। पब्लिक मीटिंग के अंदर इतनी पब्लिक होगी, पब्लिक का क्या भरोसा? मुझ पर हमला कर दे, मुझे मार दे। अगर तुम्हारी पत्नी मर गए तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं मारा गया तो इस देश को मेरे जैसा नेता कहां से मिलेगा? लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। वक्त ने हमेशा मेरी कठिन परीक्षा ली है और कठिन परीक्षा में पास हो जाना मेरी बुरी आदत है। चलिए सर। बाबूजान, मैं आदर्श वर्धन बोल रहा हूं। सिद्धांत को मैं अपने साथ मीटिंग में ले जा रहा हूं, उधर उसकी बीवी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा मौका है, उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ उसकी जिंदगी की भी रोशनी बुझा दो। इतनी कम भीड़ क्यों है? ये शास्त्री जी का इलाका है, आपको याद नहीं पिछले बार इलेक्शन में आपको बहुत कम वोट मिले थे यहाँ से? आज शास्त्री के इलाके में शास्त्री की इज्जत की अर्थी ना निकाली तो मेरा नाम भी आदर्श वर्धन नहीं। नंबर 14 में कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मंत्री बनने के बाद मैंने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन यह गलत है, बिल्कुल गलत है। मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम है शास्त्री जी, क्योंकि जब वो मंत्री पद पे थे उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला किया था। वो रिश्वतखोर थे, बेईमान थे, उन्होंने सरकारी खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। इंस्पेक्टर सिद्धांत सर, हमारा जूता लेकर आओ, वो सीढ़ी पे छूट गया है। बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बुरा तो नहीं लग रहा है ना? अबे हाँ!
चले। मैं कहता हूं रुक जाओ, कब तक किसी तरह सच्चाई से भागते रहोगे आप लोग, कब तक? अभी तो आप लोगों को कई समुंदर कई तूफानों से लड़ना है। याद रखो, जो लोग वक्त के धारे में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। मैंने यहां पर कोई जुल्म नहीं इंसाफ किया है, इंसाफ, मगर उस इंसाफ में जरा सी कमी रह गई। मुझे आदर्शवर्धन को उसके नए जूते से नहीं बल्कि किसी गरीब की फटी पुरानी कील निकली हुई चप्पल से मारना चाहिए था, चप्पल से, इसलिए कि खून चूसने वाले खटमल से ज्यादा खतरनाक होता है दीमक जो हड्डियां तक चूस जाता है। और यह आदर्शवर्धन देश और समाज के उसी खतरनाक दीमक की तरह है जिससे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। जैसे नेता ने सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि सारे देश में आग लगा रखी है, और यह आग की लपटें मुझे सच्चाई बोलने से रोक नहीं सकती। और सच्चाई यह है कि आदर्शवर्धन ने मिस्टर बाटलीवाला से 30 लाख रुपए लिए, उसे बियर फैक्ट्री का लाइसेंस देने के लिए, बिल्डर चौधरी से 1 करोड़ रुपए लिए, उसे काली चौकी की बस्ती जलाकर वहां पर 5-स्टार होटल बनाने के लिए। अब बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि आप लोग जान जाएं कि गुंडों का रखेल कभी गरीबों का रखवाला नहीं बन सकता। अगर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं और आदर्शवर्धन सही है, तो ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, मैं ये वर्दी हंसते हंसते उतारने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। डॉक्टर हरामजादे,